लगा हुआ है पेट पे, 11 साल से हैदराबाद जा रहा हूँ आ रहा हूँ, कम से कम आईसीयू में 10 से 12 मरतबा आईसीयू हो गया। अभी भी मतलब जूस और फ्रूट से खाता हूँ और बाकी कुछ नहीं खा पाता, रोटी पचता नहीं है। कभी कभी कल थोड़ा दर्द था, मतलब कब मतलब नाश्ते का कोई पता नहीं मेरा, मतलब मैं जूस एंड फ्रूट्स में रहता हूँ, केला खा लिया, सेब खा लिया, बस यही है मेरा। और ये बाधाएं मेरे होते हैं बीमारी की वजह से, मैं जा नहीं पाता। अभी देखो आप मेरे से जप कराना अपना, उस जप का मैं आपको लाभ दूंगा जैसे आपकी माता जी को मिला है, तब आप देखना कि उससे आपको कितने आराम पड़ते हैं, उसी के हिसाब से आपको देखा जाएगा कि आपको रोग है या आपको हमारे वाला कष्ट है, ठीक है ना। तो अगर हमारा कष्ट होगा तो हम निकालेंगे, रोग होंगे तो आप लोग को डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। फिर वही बात आती है, शारीरिक रोग मनु भैया ने कभी ठीक नहीं किया, ना कभी मैंने कोई चमत्कार किया, ना मैं चमत्कार कहता हूँ, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर ने भी वहाँ न्यूज चैनल पे बोल दिया ये तो चमत्कार हो गया, भाई हर रोज चमत्कार के लिए नमस्कार है, उसने मुझसे ये पूछा ही नहीं भाई ये चमत्कार कैसे हुआ। ठीक है, आपने पैर दबाए, दुनिया पैर दबाती है, तब इतनी जल्दी दर्द कैसे चला जाता है ये कभी पूछा ही नहीं। अरे भाई क्यों क्यों नहीं आप जानना चाहते कि कोई निगेटिव तत्व है शरीर में, क्यों नहीं आप जानना चाहते कि यहाँ जापानीज रेकी जो पनप रही है उसका कोई तो मिशन होगा, कोई तो उसके तहत वो होगा कि भाई वो पनप रही है, इसका मतलब कोई आदमी वो लगा रहा है झाड़े, क्यों लगा रहा है जैपनीज रेकी से कोई किसी के शरीर की निगेटिविटी निकाल रहा है और फिर उससे आराम क्यों पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन लोग जानना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये मान्यता फ्री हो जाए। भाई देखिए आप मुसलमानों में कोई ये नहीं कह सकता जिन जिन्नात नहीं होते, होते हैं ना, क्रिश्चियनों में कोई ये नहीं कह सकता शैतान नहीं होते, डायमंड नहीं होते और उनकी वही, तो भाई हम हिंदू ये क्यों मान ले कि भाई हमारे प्रेत नहीं होते, जबकि हमारे तो दुनिया भर के ग्रंथों में उसी का नाम आया है। हाँ तो भाई या तो हम वेद व्यास जी को मानना बंद कर दे, या भगवान शंकर को ही ना माने जिनके साथ प्रेत चलते थे, या फिर हम जो है तुलसीदास और कबीरदास जी को ना माने जिनको जिनके जल पढ़ के देने से ही दुनिया भर के रोग पांडु रोग ठीक हुआ, किसी का कुष्ठ रोग ठीक हुआ, पढ़िए तो सही। आपने सनातन आपने अपना कोई ग्रंथ पढ़ाई नहीं है, आपने गीता नहीं पढ़ा है। गीता भगवान कहते हैं गीता में एक जगह, अगर आप पितरों को पूजोगे तो पितर बनोगे और वहीं मैं आपकी श्रद्धा स्थापित कर दूंगा, ऐसे ही प्रेतों के लिए बोलते हैं। और तब एक जगह फिर प्रेत का जिक्र करते हैं, तो दो जगह पूरी गीता में 700 श्लोक के अंदर जिक्र आया प्रेत का, बताओ हम कैसे न माने। श्रीमद् भागवत कथा प्रेत के उद्धार पे खत्म होती है, समापन होती है, संपूर्ण होती है, फिर बताओ। और हमारे आप देखो आपके यहाँ तो कुरान शरीफ में एक आयत है ना, चारों कुलों में से एक कुल में बोलते हैं ना, है ना, कुल जो ब्रपिल नास मलकिन नास इलाही नास मिल वस्वाविल खन्नास, मैं भूल गया ना बहुत दिन हो गया। हाँ तो ऐसे आता है, हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं में तो सभी ग्रंथों में तो लिखा हुआ है प्रेत की बात, भाई किस में नहीं लिखा हुआ ये बताइए आप। हाँ सब में ही है। अच्छा और एक बात, आदमी हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, घर परिवार में कोई चला जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ करता है, क्यों करता है भाई। तुम्हारे से आत्मा है और तुम्हारे से शांति मिल रही है, क्यों करते हो तुम, तुम्हें क्या पता शांति मिली कि नहीं मिली, नहीं समझे। और तुमने मान लिया जब कराया तो किस लिए कराया भाई, क्यों कराया। और अगर आत्मा को शांति नहीं मिली तो तुम खुद ही मान लो फिर वो प्रेतात्मा बन गई। उसमें वो कुरान खानी कराते हैं, मतलब 40 दिन पर करते हैं ना, हर जगह कुछ ना कुछ करते हैं ना, क्रिश्चियनों में भी करते हैं ना भाई, शांति का पाठ करते हैं कि नहीं करते। अरे बहन जी ये तो समझते नहीं, हिंदू तो दो फेरे में जब एक पत्नी सारी जिंदगी के लिए लग जाती है, 7 जन्म के लिए, कितने 7 जन्म के लिए हैं, अगली तैयारी कर लेती है पूरी 7 जन्म साथ, वो बात अलग है लट बच जाए दोनों के, लेकिन 7 जन्म की तैयारी हो गई कि नहीं, 7 फेरों में 7 जन्म हो रहे हैं मंत्र से, ठीक है। बस मंत्र से दर्द नहीं निकल सकता, रोग नहीं निकल सकता, किसी का कष्ट नहीं निकल सकता, ऐसा कर नहीं सकते मंत्र चिकित्सा कुछ नहीं। अभी पीछे ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने कम से कम 5 करोड़ लोगों को दर्द में राहत दी, कष्टों में राहत दी, उन्होंने माना और उन्होंने अपने मुंह से बोला सब ने कि हमारी रसोलियां गायब हो गई, हमारी गांठें गायब हो गई। डॉक्टर बजाय इस पर रिसर्च करने के कि आखिरकार सब जगह सब धर्मों में सब बाबाओं पे सब मंदिरों में सब मस्जिदों में बालाजी जैसे नगर में लोग ठीक क्यों हो रहे हैं, वहाँ रोग का क्या निदान है, फिर तब उनको पता चलेगा रोग नहीं ठीक हो रहे, निगेटिविटी ठीक हो रही है। और आपने पिछले 6 दिन से यही देखा है, क्या ठीक हो रहा है, निगेटिविटी। अब डॉक्टर का मत ही भ्रम हो जाए, ये सोच ले वो ये रोग है, ये तो कैंसर है, और वो हो कैंसर ना हो ठीक है कि नहीं। अब देखिए एक बहन को बच्चा हुआ, अब बच्चा हुआ तो स्तन से दूध नहीं उतरा, और जब दूध नहीं उतरा तो दोनों स्तन फटने को हो गए। अब वो 3 दिन हॉस्पिटल में है, अगर मनु भैया नहीं जाते तो वो फट जाती बॉम्ब की तरह, पीड़ा कितनी होती है ये नहीं जानते डॉक्टर,
ठीक है, फिर कैसे ना माने प्रेत ना हो, कितने संसार को मनाओगे तुम प्रेत नहीं है, है? अप्रेत नहीं है तो फिर भगवान शंकर भी नहीं है, प्रेत नहीं है तो तुलसीदास जी भी नहीं है जिनको प्रेत ने दर्शन दे के हनुमान जी के दर्शन कराए, प्रेत नहीं है तो फिर हनुमान चालीसा भी नहीं है, बजरंग बाण भी नहीं है, और जब प्रेत नहीं है तो फिर हमारे पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी भी नहीं है, फिर काहे मानते हो, या फिर प्रेत को मानो, है भाई? देखो शैतान हो सकता है, जिन जिन्नात हो सकता है, प्रेत नहीं हो सकता। अरे हम अपने ही धर्म की बातें नकार दे तो भाई, आपको जितना अधिकार है जिन जिन्नात को मानने का, हमें भी तो है, फिर हमारा ही अधिकार क्यों छीना जाए? कायदे की बात है ना बहन जी, फिर भाई तुम्हें नहीं लगा तो बात अलग है, ठीक है ना? झटका तो तुमने सबने देख लिया है। एक बात बता बहन जी, पैर दबाने से पैर के दर्द सारी जिंदगी के लिए गायब होते हो, तो आप पैर दबवाओगे कि नहीं? ठीक है, फिर आप डॉक्टर को पसंद करोगे पैर दबाने वाले को? पैर दबाने वाले को ना, सीधा सा उदाहरण, किसी ने पैर दबा के आपके दर्द गायब कर दिए, और जबकि आप फिजियो से करा रहे थे 6 महीने से वही काम, क्या लाभ है? हानि हुई कि लाभ हुआ? लाभ तो होता है, फिर वीडियो से परमानेंट नहीं होता है, लेकिन मनु भैया पैर दबाते हैं तो परमानेंट होता है कि नहीं होता है? यही तो बात है, बोलिए शनिदेव महाराज की। ये वर्चस्व मैं कह रहा हूँ भाई, जब करो तब करो, भगवान का नाम लो, जिसका जो भगवान। देखो बहन जी, एक कोई यहाँ मुस्लिम आ गया, हमने यहाँ राउंड भी लगवाए तो हमने कहा भाई तू अपनी पसंद का नाम ले सकता है, तू अल्लाह अकबर बोल सकता है, या तू कोई कुल पढ़ सकता है जाते हुए, हमने मना तो नहीं किया। मेरी कला है जरूर नहीं, वो गद्दी से बंधी है, दुनिया में कहीं बुलाओगे मैं वहीं करके दिखा दूंगा, इसमें गद्दी से बंधा हुआ क्या है? नहीं समझे आप? आपने भगवान का जप तप किया, आप कहीं भी जाके करके दिखा दोगे, और वो मेरा काम है और मैं करके दिखाता हूँ, तो फिर उसमें हॉस्पिटल क्या और वो क्या? तो तब मान लिया, अभी देखिए अभी हॉस्पिटल वाले एक काम तो कर रहे हैं कि उन्होंने एक पंडितों को बहुत सारों को ये कह दिया कि भाई ये हॉस्पिटल में मरीज है, तुम इनके लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे ठीक है संजीवनी मंत्र का जाप करो, और फिर उनको आराम भी पड़ा, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि मनु भैया जब करेंगे तो और तेजी से आराम पड़ेगा। बताओ भाई इसमें क्या नशा चढ़ा हुआ भाई तुम्हारे? कोई आदमी अगर अपनी कला को करके दिखा रहा है और वो भी हिंदू करके दिखा रहा है, तुम्हें क्या नशा चढ़ा हुआ है? ये तो गलत है। अच्छा एक बात बताओ, मुस्लिमों में कोई इस बात को मान सकता है? कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा होगी जिन जिन्नात नहीं होते, फिर और परियां भी मानते हैं आप लोगों में? परियां भी मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? फिर और वो एक और मुवक्किल भी मानते हैं, बताइए मानते हैं कि नहीं? कितना ही बड़ा हो मुवक्किल भी मानेगा, परिया भी मानेगा, जिन जिन्नात भी मानेगा, बस हम ना माने, हम ना माने जी। देखो कैसी बात है, और हमें कोई मुसलमान नहीं रोक रहा है कि कोई मुस्लिम आदमी रोक रहा है, दुख की बात तो पीड़ा तो मुझे यही है कि हिंदू ही मुझे रोक रहा है, और वो ही कह रहे पढ़े लिखे, वो ही पढ़े लिखे कह रहे हैं जिनके पैदा होने पर उनके माँ बाप ने उनके जप कराए हैं, उनके मूल उतरवाए हैं, उनके नक्षत्र उतरवाए हैं मंत्रों से, वो ही पढ़े लिखे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जिनकी शादियां हुई हैं प्रेम विवाह भी कर लिया तो भी फेरे लिए मंत्र से, और वो पत्नी अब जा नहीं रही है, उन्हीं के पल्ले पड़ गई है, वो ही कह रहे हैं कि जिनके माँ बाप चले जाते हैं और वो लाखों लाखों जप कराते हैं, वही मुझे कह रहे हैं कि तुम जप मत करो। बताओ भाई अब किसी में हिम्मत है दुनिया की, कोई ताकत है शक्ति है कि मनु भैया जप करना बंद कर दे, या करना बंद कर दे तो करा हो, अब मुझे देखना है ये बात, ठीक है? पाखंड का मतलब होता है पाप, और पाप का मनु भैया खंडन करते हैं, क्या करते हैं? खंडन करते हैं। हमारी हजारों वीडियो पड़ी है जिनमें हमने सर घुमाने वालों का और भगवान बताने वालों का खंडन किया है, यहाँ तक कि भगवान को भगवान ना कहने वालों का भी खंडन किया है, कि जिन्होंने भगवान को खंडित कर दिया, कि अभी किसी संत ने कह दिया भगवान कृष्ण चरित्रहीन थे, कैसे मान ले हम, तुम्हें पता ही नहीं है भगवान कृष्ण क्या थे, ठीक है ना? ईश्वर का कोई भी अवतार होता है उसकी देह चिन्ह में होती है, विशिष्ट देह होती है, उसको कभी भी उसकी देह से सुगंधियाँ आती है, उसको कभी पसीना नहीं आता, हमेशा बाल काले रहते हैं, ऐसे बोलो जय शनिदेव।